हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गेट योर कॉलेज। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही बड़े कॉलेज के बारे में जो कि बैंगलोर में लोकेटेड है, कर्नाटका में। ठीक है, कई बार ये बच्चे मुझसे पूछे हैं कि सर IFIM कॉलेज के बारे में आप जानकारी दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे क्वेरीज रहे हैं इससे रिलेटेड कि IFIM कैसा कॉलेज है, कहाँ लोकेटेड है, किस तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। जो भी चीज़ आप जानना चाहते हो IFIM के बारे में बिल्कुल मैं डालूंगा। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए कोई चीज़ रह जाती है तो बिल्कुल आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सारे आंसर्स दे सकूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। IFIM का फुल फॉर्म सबसे पहले अपन समझते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, NAC एक्रेडिटेड है, UGC एक्रेडिटेड है, ये सबसे अच्छी बात है। 2009 में ये स्टार्ट हुआ था और उस समय से लेकर अभी तक इसने बहुत अच्छे ग्रोथ दी है। बहुत सारे अच्छी कंपनीज आती हैं यहाँ प्लेसमेंट्स के लिए और इनका रिसर्च फैसिलिटी, इनकी कैंपस बहुत सुंदर है। लेट्स स्टार्ट कि इनके कौन कौन से रैंकिंग या अकॉलोडेट्स मिले हुए हैं, अवार्ड्स क्या क्या मिले हुए हैं। IFIM कॉलेज है सिक्योर्ड द 11th रैंक इन इंडिया टुडे सर्वे इन 2019 फॉर टॉप कॉलेजेस ऑफरिंग BBA प्रोग्राम। ठीक है, इसके अलावा GHRDC BBA कॉलेजेस सर्वे 2020 हैड रैंक IFIM कॉलेज एज द 4th टॉप कॉलेज फॉर द BBA प्रोग्राम इन इंडिया एंड रेंडर्ड 3rd रैंक इन सदर्न रीजन। सदर्न रीजन में इनको 3rd रैंक दिया गया था और ओवरऑल पूरे इंडिया में इनको 4th रैंक दिया गया था। इसके अलावा इन द रीसेंट बी स्कूल सर्वे कंडक्टेड बाई द आउटलुक टू एक्सेस द इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग MBA प्रोग्राम्स among 275 institution participated, IFIM has been ranked as first in Bangalore, fourth in southern state and ninth in entire India. ठीक है, in pan India it has been ranked as 9th rank. ठीक है, इसके अलावा मैं बताऊँ Education Excellence Award 2020 conferred by GHRDC for consistent performance in management programs. BCA प्रोग्राम हैव बीन हैंग एज थर्ड बेस्ट इन द कंट्री। इनका BCA प्रोग्राम को भी 3rd बेस्ट दिया गया प्रोग्राम इन द एंटायर कंट्री, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। चलिए इसके अलावा मैं आपसे बात करूँ कि इनके कोर्सेज क्या क्या हैं, कौन कौन से कोर्सेज देते हैं और इसके अलावा उनकी फ़ीस क्या है। ठीक है, इनके यहाँ पर है BBA जिसकी फ़ीस अराउंड 5.95 to 7.5 lakhs के बीच में, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है, इस कारण से फ़ीस वैरी कर सकती है। MBA की फ़ीस जो है वो 9.15 lakhs है, MCOM की फ़ीस 2.5 lakhs है, BCOM की फ़ीस 3.05 to 4.5 lakhs है। इसके अलावा BCA की फ़ीस 3.1 lakh है और BA की फ़ीस 3.1 lakhs है। तो ये सारी इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर हुई। ठीक है, अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो जो इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट जाता है वो अराउंड 12 to 13 lakhs का जाता है, एवरेज प्लेसमेंट अराउंड 5 to 6 lakh के बीच में जाता है। तो ये इनका प्लेसमेंट जाता है। किस तरह की कंपनियां आती है देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि हाउ टू चूज़ अ राइट कॉलेज। तो राइट कॉलेज के बारे में जब मैंने बताया है तो मैंने बोला है कि किस तरह की कंपनी आ रही है और कौन सा प्रोफाइल देती है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कौन कौन सी कंपनियाँ आ रही हैं। अपग्रेड आता है, TCS आता है, बंधन बैंक आता है, बाइजूस आता है, ओपो आता है, मैक्स आता है, KPMG, डेलॉइट, दी आर वेरी गुड कंपनीज, ICICI बैंक, प्रैक्टो, दिस टाइप ऑफ कंपनीज आर कमिंग इन द कैंपस फॉर बैचलर्स प्रोग्राम एज वेल। देखो ज़्यादातर कॉलेजेस मास्टर्स प्रोग्राम को तो आराम से प्लेसमेंट दे देती है लेकिन ये बैचलर्स प्रोग्राम में भी प्लेसमेंट दे रही है। इसका मतलब जो कॉलेज है वो स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताऊं अगर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बारे में तो IFIM हैज़ टाई अप विद ISEC टू एनहांस इंटरनेशनल इंटर्नशिप। ISEC इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प स्टूडेंट इन इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स।
ठीक है, ये इनका एक कोलैबोरेशन है। स्टूडेंट ऑफ IFM पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड इंटरनेशनल यूथ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ भी गए थे बच्चे और अपने कॉलेज को, अपने देश को रिप्रेजेंट किए थे। तो इस तरह के कोलैबोरेशन भी हैं, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ और जानना चाहते हैं IFM के बारे में तो बिल्कुल कमेंट करें। माय नेम इज अतुल जैन, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।